दोस्तों, द बॉयज सीजन 4 का फोर्थ एपिसोड मोस्टली उसके कैरेक्टर्स के पास्ट पर फोकस्ड था, जहां हमें काफी कैरेक्टर्स के पास्ट डीमंस के बारे में जानने को मिला। होमलैंडर, स्टारलाइट, फायरक्रैकर, फ्रेंची, किमिको और ए ट्रेन, इन सब ने अपने अपने पास्ट डीमंस के साथ अपने अपने तरीके से डील किया। और मुझे होमलैंडर का सेगमेंट बेस्ट लगा। तुम्हें जो कहना है कहो, मगर होमलैंडर मेरा मोस्ट फेवरेट बॉयज कैरेक्टर है। इस एपिसोड में होमलैंडर एके जॉन जाता है उस ही पुरानी वॉट की सीक्रेट लैब में, जहां उसके ऊपर बचपन में ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे। सबसे पहले तो वो एक सरप्राइज विजिट के साथ एक मीठा सा केक खिलाकर मीठी मीठी बातें कर उन सब साइंटिस्ट्स को सेफ फील कराता है, और फिर होता है असली खेल शुरू। और यहाँ पर हमें एक नई चीज पता चलती है कि होमलैंडर असल में अपनी सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ था और अपनी माँ को लेजर से फाड़ कर बाहर निकला था। तो फिर क्या हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ रायन ही नहीं, होमलैंडर भी एक बॉर्न सुपर हीरो है? आई थिंक सो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही सही पैदा तो वो भी सुपर पावर्स के साथ ही हुआ था। भाई मजा आया, मुझे मजा आया। मैं रूट कर रहा था होमलैंडर के लिए। मैं चाहता था कि वो अपना बदला पूरा करे, और उसने किया। हाँ, मगर उन नए एम्प्लॉयज को नहीं मारना चाहिए था। एनीवे, होमलैंडर इज होमलैंडर। और हमें पता चलता है कि फायरक्रैकर एक मैनिपुलेटर होने के साथ साथ एक पेडोफाइल भी है, क्योंकि बिली और मार्विन को उसके वो 28 की उम्र में 15 की उम्र वाले लड़के के साथ किए हुए कारनामे की वीडियो मिल जाती है, बट फायरक्रैकर डिडंट गिव अ फक। और फिर जब स्टारलाइट उसे आकर तोड़ती है, मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था। मजा आ रहा था उसको मार खाता हुआ देखकर। मगर काम तो स्टारलाइट के भी सही नहीं है। 13 साल की उम्र में अपनी सुपर पावर्स यूज करते वक्त एक औरत को अंधा कर देना, और ह्यूवी के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना, मर्डर तो इसने भी किया है। लेट्स सी इसे आगे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है या नहीं। और फिर नशेड़ी फ्रेंची, भाई ये आदमी तो मुझे समझ नहीं आता, ये आखिर चाहता क्या है? वो फाइनली कन्फेस कर लेता है कि कॉलिन की फैमिली को उसने ही मारा था, मगर कब, कैसे, कहाँ, ये दिखाना चाहिए था। और इस एपिसोड में हमें दो बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि बिली ने खुद को क्योर करने के लिए कंपाउंड वी लिया था 4 महीने पहले, मगर उससे उसको फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत अब उसके और करीब आ गई है। ही कैन डाई एनी डे। बाय द वे, क्या लगता है उस वैन में हुआ क्या होगा? और फिर आता है मेरे लिए इस सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज, भाई यूवी ने अपने बाप को कंपाउंड वी दे दिया है। होली फक ब्रो, ब्रो आई थिंक दीज गाइस आर कुकिंग सम रियली क्रेजी शिट। साइमन पेक, जिनका अभी तक इस सीरीज में फॉरगेटेबल सा रोल था, लगता है उनका कैरेक्टर अब कुछ बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है वॉट को गिराने में। आई एम एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ह्यू कैम्पबेल कंपाउंड वी ले सकता है। इन सब चीजों के अलावा इस एपिसोड में एक एक्शन सीक्वेंस भी होता है, इस सीजन का तीसरा एक्शन सीन, जहां किमिको और टूटी टांग वाला ह्यूवी शाइनिंग लाइट के मेंबर्स से लड़ते हैं। ओवरऑल तो ये ठीक ठाक सा एक्शन सीन था, पर इसमें कुछ शॉट्स थे जो मुझे पसंद आए, जैसे आंख में कैची फेंक के मारना, ग्रेनेड लॉन्चर से किमिको को उड़ाना, गोरी। वहीं दूसरी तरफ ह्यूवी भी एक बंदे से लड़ रहा होता है इन अ मेली फाइट, जो भी हाथ में आया बस उठा के मार दो। ये फाइट सीक्वेंस बेहतर हो सकता था अगर इसमें उन्होंने ये जंप कट्स वाला कैमरा वर्क ना रखा होता तो। मुझे नहीं लगता कि ह्यूवी ने इससे पहले किसी और फाइट सीन में इतना एफर्ट लगाया होगा। और फिर एपिसोड के एंड में होमलैंडर की वो मैनेसिंग स्माइल, ये जानवर अब सनकने की कगार पर है। मुझे नहीं लगता कि इसे अब किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन की ख्वाहिश है। आई थिंक वी आर जस्ट अबाउट टू सी दिस गाय गो ऑल आउट। #butcher versus homelander हैपनिंग सून। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज। माई करेंट गोल इज टू रीच 1K सब्स, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन X, Instagram एंड Letterboxd। थैंक्स फॉर वॉचिंग।